तो गाइस, स्पोर्टकिंग इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ स्पोर्टकिंग इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बाईबैक भी ऑफर किया है। तो इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी के बाईबैक से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्पोर्टकिंग इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 517.96 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 555.36 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 593.31 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में स्पोर्टकिंग इंडिया ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केस में नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 493.4 करोड़ का खर्चा किया है, सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 519.08 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 438.27 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहां से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सिमेटली 4.74%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 6.53% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 26.13% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी के इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 18.04 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 0.76 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सिमेटली 116.13 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 के ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 13.63 की, सितंबर 2022 के ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.01 की एंड दिसंबर 2021 के ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 87.4 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में स्पोर्टकिंग इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो दो जगह है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ। अभी ये दो ग्रोथ छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की कम या ज़्यादा नेगेटिव में ही है। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो स्पोर्टकिंग इंडिया ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बाईबैक के बारे में बात करें तो स्पोर्टकिंग इंडिया अप टू 580,000 शेयर्स खरीद सकता है थ्रू दिस बाईबैक एट द प्राइस ऑफ 950 रुपीज पर शेयर एंड ये जो बाईबैक होने वाला है ये थ्रू टेंडर रूट होने वाला है एंड द रिकॉर्ड डेट फॉर दिस बाईबैक इज 10th of Feb 2023। मतलब अगर कोई बंदा स्पेशली इस बाईबैक में अप्लाई करने के लिए इस स्टॉक को बाई करना चाहता है तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 9th को, क्योंकि अभी सेटलमेंट पीरियड T+1 हो चुका है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई सिर्फ और सिर्फ बाईबैक में अप्लाई करने के लिए कोई इस स्टॉक में एंट्री करे। तो अभी ये समझते हैं कि एक्चुअल में किन लोगों को इस बाईबैक में अप्लाई करना चाहिए। अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी इस कंपनी की होल्डिंग है उन लोगों को तो पता ही है कि पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से ये कंपनी लगातार नीचे गिर रही है। कंपनी की लास्ट 52 वीक हाई 1500 के आसपास एंड अभी कंपनी 700 के आसपास ट्रेड कर रही है। ऊपर से दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही बेकार निकल के आई है तो
हो सकता है कंपनी 600 तक की भी फॉल शो कर दे, मतलब कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक हाई से 50% से भी नीचे ट्रेड कर रही है। एंड आई गेस आप में से जितने भी लोगों का होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है, 90% लोग उनमें से लॉस में बैठा हुआ है, तो सिंपली एग्जिट कर लो बायबैक के थ्रू, क्योंकि कंपनी कब रिवर्सल शो करेगी वो कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। एंड कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, मतलब जिस हिसाब से नेगेटिव ग्रोथ शो कर रही है, वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी 500 तक जा सकता है, लेकिन 1000 का कोई गारंटी नहीं है, तो सिंपली एग्जिट कर लो। बहुत ही अच्छा मौका है, 950 मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो बायबैक है ये टेंडर रूट के थ्रू हो रहा है, ना कि ओपन मार्केट के थ्रू, तो सिंपली अप्लाई कर दो। अगर अप्रूव हो जाता है तो आप लोगों को पर शेयर 950 मिल जाएगा। बाकी अप्लाई करना है या नहीं, होल्ड करके रखना है, ये इंटायरली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंटायरली सब्जेक्टिव है। मेरा काम है गाइड करना, मैंने गाइड कर दिया, मैंने सजेस्ट कर दिया, बाकी क्या करना है ये इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।